आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहें यही प्रार्थना के साथ पावन नवरात्रि में कलश स्थापना का क्या महत्व है कलश क्यों स्थापित करते हैं दीपक किस प्रकार रखना चाहिए इस बार जो नवरात्रि आ रही है उन दिनों के अनुसार क्या भोग लगाने से पूर्ण देव कृपा होगी इसको विस्तृत इस वीडियो में जानेंगे वीडियो बड़ा है कई लोग मुझे कहते हैं कि आप वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करें आप ध्यान रखना एक बात जिस चीज़ को आप पूरी तरह समझोगे नहीं उस चीज़ पर आपको श्रद्धा नहीं आएगी और जिस चीज़ पर श्रद्धा नहीं रहेगी वो लंबे समय तक चलेगी नहीं शॉर्टकट में जहाँ भी जाना पड़ेगा वो शॉर्टकट टेम्प्ररी होगा और विवेक के साथ किया हुआ काम परमानेंट होगा इसलिए परमानेंट जानकारी के लिए थोड़ा विस्तृत बोलना ही पड़ता है जिसको लगे कि इसको जानने के बाद मेरे जीवन में कल्याण होगा वो देखें अब सबसे पहले हम नवरात्रि पर्व शब्द का अर्थ समझें तो नवरात्रि इसमें रात का महत्व ज़्यादा है पूजा करने वाले लोग पूरे दिन में ही पूजा कर लेते हैं तो सावधानी रखनी है कि इस पर्वों में देवी संध्या काल से अति जागृत अवस्था में रहती है इसमें हम नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से करते हैं कलश स्थापना क्यों करनी चाहिए आप देखते हैं कि ये गणेश विसर्जन या कोई भी दुर्गा विसर्जन होता है तो ये विसर्जन नदी में दरिया में समुद्र में कुएं में ऐसे पानी के जल स्थान पर ही विसर्जित किया जाता है कारण शास्त्र हमारे भारतीय धर्म शास्त्र कहता है सनातन शास्त्र कहता है कि देवताओं का आविर्भाव वरुण देव से यानी जल से ही होता है देवों का निवास स्थान जल है इसीलिए इस संसार के कोई भी देवता को आप देखोगे तो कमल पर बैठे दिखते हैं और कमल रहता कहाँ है आप देखिए कमल रहेगा क्या कहीं रेगिस्तान में रहेगा क्या बॉम्बे के ये अपार्टमेंटों में रहेगा कमल वहाँ रहेगा जहाँ पानी रहेगी और पानी बगैर देवता रहते नहीं सरस्वती लो लक्ष्मी लो कोई भी देवता लो दुर्गा आदि देवता भी युद्ध में जाते हैं तब सिंह पर बैठ करके के जाते हैं बाकी वो हैं कमलासन पर बैठने वाले देवता कोई भी देवता उनका वाहन आप वाहन को आसन में मत लेना आप दोनों में कंफ्यूज हो जाते हो वाहन यानी जिस पर बैठ के जा जाया जाता है स्वान पर बैठना भैरव का वाहन है लेकिन कमल ही भैरव का आसन है शंकर को देखो तो पद्मासन भगवान के जो ध्याय नित्यम महेशम में आप देखो तो उसमें पद्मासन शब्द आता है कि पद्म पर बैठने वाले भगवान हिमालय पर भी भगवान सरोवर में पद्म पर बैठते इसीलिए कैलाश मान सरोवर की अति विशेषता है इस संसार में जितने देवता हैं जल से आविर्भूत है तो आप जब भी जीवन में देवताओं की विशेष सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो उस समय कलश का जल होना जरूरी है क्योंकि उस जल में ही देवता का निवास होता है फोटो हो मूर्ति हो यह अलग बात लेकिन कोई ना कोई एक कलश को नौ दिन के लिए भी स्थापित करें उन नौ दिनों में इस कलश की पूजा करके आराधना करें तो जल के द्वारा देवों का सानिध्य बहुत आसानी से मिल जाता है और जिस जगह कलश स्थापित होता है वहाँ देव सानिध्य अवश्य होता है और इस सानिध्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के कोई भी आपके घर में कोई स्टील के सिवाय स्टील को छोड़ के पित्तल का तांबे का छोटा सा लोटा भी हो इतना सा लोटा एक जिसमें 250 मिली पानी भी भरता हो वो कलश भी रख सकते हैं उसका कोई साइज़ का मायना नहीं भाई हम गरीब है महाराज हम कहाँ से लाएंगे तो आपके घर में जो छोटा मोटा तांबे का लोटा हो पीतल का हो उसी में स्थापित कर सकते हैं देखिए पीतल का लोटा ऐसा नारियल होना चाहिए जिसके अंदर पानी भी हो पानी भी है नारियल भी मोटा है पानी वाला नारियल नहीं लेना खाली पानी भरा है लेकिन नारियल नहीं है अंदर नारियल भी है पानी भी है जटा भी है ऊपर ऐसा नारियल एक होना चाहिए ऐसा कलश और भी कलश देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे चांदी का लो तो ऐसे चांदी का लोटा ले सकते हो या चांदी का भी कोई कलश ले सकते हो ऐसा ही कलश चांदी का भी आता है छोटा बड़ा वो हो तो वो चले ये हो तो लोटा चले चांदी का भी कलश चले तांबे का ऐसा कलश भी चले या इससे छोटा भी तांबे का लोटा हो देखिए ये एक लोटा है ऐसे लोटे भी हो इससे भी छोटा हो तो भी चले लेकिन बहुत छोटा रखोगे तो ऊपर नारियल बड़ा होने के कारण थोड़ा नीचे सावधानी रखनी पड़ती है नीचे आप अगर कुलदेवी को देवताओं को खुश करना चाहते हो तो नीचे गेहूं ही बिछाना चाहिए जऊ बिछाने का देखिए जऊ चंद्र का अंश है गेहूं सूर्य का अंश है और कुल देवता, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती सूर्य की अंशिनियाँ हैं सूर्यवंशी देवियाँ हैं इसलिए कभी भी नीचे गेहूँ की अच्छे से ढेर करके उस पर बड़ा लोटा अगर बहुत छोटा लोटा है तो गेहूँ अच्छे से डाल के रखोगे तो गुड़ने का चांस कम है क्योंकि किसी भी हालत में यह न हिलना चाहिए न गुड़ना चाहिए फूल भी बड़े सावधानी से इसको माला पेरा रहे हो तो सावधानी से पेहराना वो उठाते समय नारियल हिल गया या कलश गुड़ गया तो समझना ये कोई संकेत खराब हो रहा है इसलिए अपशकुन करके खुद के जीवन में खुद ही दुख लाना से अच्छा है कि हम सावधानी से काम करें भाई चक्कू को पकड़ने नहीं आया और चक्कू से हमारे शरीर में कहीं ना कहीं एक घाव हो गया तो इसमें चक्कू की क्या गलती है बहनों बच्चों बोलो किसकी गलती है तो पूजा में सावधानी पूरी रखनी चाहिए कोई भी लोटा हो अब इसके नीचे आप इसको कहाँ रखना है महाराज अगर आपके पूजा का एक छोटा सा स्थान है उस स्थान के अंदर ही जगह जहाँ देवता का फोटो रखा मूर्ति रखी है उस वो थोड़ी बड़ी है उसमें मैं इतना तो रख सकता हूँ तो वहीं रख देना अच्छा है क्योंकि देवों के स्थान में ही रहें तो बहुत लाभ है अगर नहीं है तो आप नीचे एक छोटा सा पाट लगा करके लकड़ी का बाजोट लगा करके नीचे भी रख सकते हैं जहाँ भी एक कलश रखेंगे इस कलश के आगे ही दीपक अखंड नवरात्रि का करना है ये जो अखंड दीपक जलेगा ये कलश के निमित्त जलेगा रोज की जो दीपक छोटी जलेगी वो आपके देवताओं के निमित्त रोज जो दीपक करेंगे वो करेंगे इस कलश के आगे जो दीपक करेंगे उसके बारे में जानने से पहले ये कलश का पूरा ध्यान दे दें कि छोटा नारियल भी हो जटाधारी हो ऊपर से जटा हो तो क्या होता है कि वो दीपक की गर्मी से नारियल फूटता नहीं है नहीं तो दीपक की अखंड गर्मी से नारियल में बीच में क्रैक आने की संभावना है फिर वो बोलते हैं कि हमारा नारियल टूट गया हमारा आज क्या देवी कुपित है क्या देवी हर चीज़ में कुपित होने नहीं बैठी है वो तो माँ है फालतू क्यों कुपित होगी वो तो आपकी अज्ञानता है कि आपने छिला हुआ नारियल रखा और उसके ऊपर के छल्टे पर उसका गर्मी पड़ा और जैसे ही गर्मी पड़ा नारियल दो टुकड़े हो गए तो आपको सावधानी रखनी है कि नारियल जटाधारी हो तो टूटने की संभावना नारियल में कभी होती नहीं है ये वीडियो देखने से हर नवरात्रि में आपको जीवन भर नवरात्रि पूजा कैसे करनी ये काम आएगी इस बार नवरात्रि सात तारीख गुरुवार को आया है तो गुरुवार को सुबह सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर ये स्थापना कर लेनी चाहिए पहले ही आप अम्मावस में ही भाई पितृपक्ष का अम्मावस है हम सफाई कैसे करें देखिए विसर्जन करने सफाई करने मुहूर्त नहीं होता है स्थापना करने के लिए ही मुहूर्त होता है सुबह का आपके गांव का सूर्योदय के समय के पहले ही दो घंटा अगर आपको सफाई लगता है तो दो घंटे पहले ही उठ के नहा धो के पहले पूरी सफाई करनी चाहिए क्या करना हर चीज़ को साफ़ करना चाहिए घर के फ़ोटुओं को मूर्तियों को सब साफ करके रेडी करके रख दिया उसके बाद ही ये कुंभ स्थापना करनी चाहिए इसको कैसे करें अगर आप घर में आपके पूजा स्थान में जगह हो तो वहाँ एक लाल कपड़ा बिछाएं क्या बिछाएं वो कॉटन का होना चाहिए लाल कपड़ा और उस कपड़े पर गेहूं का ढेर करें उस ढेर में इस कलश को स्थापित करें ये सब पहले ही करके रख दें इससे कोई गलती नहीं है आप वो के पहले क्योंकि मोहरत में करने जाओगे तो बारह मिनट में सब कुछ नहीं कर पाओगे दीपक भी गेहूं का एक थोड़ा सा ढेर करके उसके ऊपर दीपक देखिए कई लोग मट्टी का दीपक करते हैं तो यह मट्टी के दीपक में करने से अधिकतर उसमें से घी निकलने की संभावना धीरे धीरे वो चिरती है ऐसे धीरे धीरे घी से वो धीरे 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 मट्टी एकदम रिसती है तो बाद में थोड़ा थोड़ा हर जगह से घी आना चालू हो जाता है एक दिन का करना हो तो मिट्टी का ठीक है अगर इस बार तो क्या है कि दसवीं नहीं है एक दीति घट गई तो दसवीं नौवीं कोई आ रही है तो नौ दिन की नवरात्रि है नौ दिन तक मिट्टी के दीपक टिकते नहीं है साइड में से घी रिसता है और ऐसे घी रिसने से वो नीचे कपड़े पर आ जाता है चारों तरफ आता है ये इतना शुभ नहीं है अगर छोटा सा एक पित्तल का दिया आप ले सको आपका सामर्थ्य है तो ऐसा पीतल का दिया तांबे का दिया मिलता हो तो आप ले सकते हैं शास्त्र में तांबे के दीपक में दीपक करने को वर्जित है कहें दुकानों में तो तांबे का ही मिलता है दीपक लेकिन तांबे में कभी करना नहीं चाहिए क्योंकि तांबे में घी पड़ते ही वो जहर हो जाता है तांबे में घी का संगत नहीं होता इसलिए तांबे के दीपक जलाने नहीं चाहिए लेकिन दुकानों में तांबे के ही मिलते हैं सब दीपक तांबे में दिया करना ही नहीं चाहिए पीतल हो सकता है चांदी हो सकता है मिट्टी हो सकता है ये तीन हो सकते हैं लोभे में नहीं करना है ये मिट्टी का अगर आपको लगे कि हम यही ले सकते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि इसके नीचे एक मिट्टी का एक प्लेट रख दें पहले नीचे एक मिट्टी का प्लेट गेहूं के ढेर के ऊपर एक मिट्टी का तट्टा प्लेट रख दें थाली की तरह उसके ऊपर ये दीपक रख दें आप किसी भी दिशा में आपके घर में मंदिर देवता हो किसी भी दिशा में आपकी पूजा चल रही हो ये दीपक का लो पूर्व मुखी होनी चाहिए इसका लो हमारा पूर्वमुखी होना चाहिए किस तरफ होना पूर्व मुखी होना चाहिए और मैंने इसलिए ये मंगाया देख बेटा इधर आओ इधर आओ देखो लो ये देखिए इस बत्ती को ऐसे हमने मोड़ा एक आप वो मोड़ी लें ऐसा आप लच्चा ले लें उस लच्चे में से एक आप लंबा तार बनाएं लच्छे को खोल के टाइट से लंबा तार बनाएं उस तार को बनाने के बाद उस तार को चोटी की तरह डबल करके मोड़ लें क्योंकि दो बत्तियां होनी बहुत ज़रूरी है अगर दो बत्ती नहीं होगी तो सिर्फ नेगेटिविटी उस जगह में आएगी दो बत् ये जैसे दो तारों को जोड़ करके चोटी की तरह एक कर लो ये दोनों जुड़े हैं तो ही उसमें से एनर्जी होती है ये एनर्जी का फॉर्मूला है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलने के बाद ही ऊर्जा प्रकट होती है इसलिए ऐसे दो तार वाली बत्ती बना ली क्या किया हाँ अगर मिट्टी का ले रहे हो तो इसमें यह बत्ती कम से कम दस दिन में तो ये बड़ी बत्ती थी देख बेटा इधर बड़ा सा बत्ती लेना और ध्यान रखना कि वो बत्ती का जो पूरा भाग है वो पीछे रहे अगर वो आगे रहेगा तो आप इधर उधर जाते समय आगे जलते बत्ती के साथ साथ वो भी पूरा जलने लग जाएगा एक साथ से जलने लगेगा इसलिए ये जो बचा हुआ भाग है देखिए थोड़ा बड़ा ले लें तो दस दिन तक चलेगा इतना बड़ा जरूरत नहीं है तो ये साल भर जलने जैसा दिख रहा है लेकिन आपको ये जो बचा हुआ भाग है उसको पीछे लगा के रखना चाहिए समझ रहे हो ना ये पीछे रहना पूरा आप शाम व सुबह एक बार ही ध्यान देते हैं तो भी ये जलता रहेगा अगर ये आगे है तो यह बत्ती जब जलता आएगा यह पूरा साथ जल के एक साथ बबका हो जाएगा फिर पूरा किया कराया बेकार हो जाएगा इसलिए हरदम ध्यान रखना चाहिए कि यह बत्ती का बचा भाग एकदम पीछे रहे सिर्फ थोड़ा सा भाग आगे गए और इसमें घी पूर दिया अच्छे से और ध्यान रखना पूजा वाला घी हल्का घी ये सब दुकान में मांग के पूजा करोगे तो समझ लेना देवता को नाराज करने का बढ़िया तरीका खोजा है हम लेते हैं उससे भी भारी वस्तु लेके पूजा कर सकते हों तो ही भक्ति करनी चाहिए हल्की से हल्की वस्तु देवताओं को और भारी से भारी वस्तु हमारे दाल बाटी में डाल के खाएं फिर तो देवता नाराज़ होना ही है एकदम उत्तम गाय का घी मंगा लें और उसको दीपक में भर लें और ऐसा पहले ही करके रख ले और 10 दिन तक जल सके ऐसा और इस दीपक को व्यवस्थित ऊपर बत्ती को ऊपर करने के लिए इसको ध्यान देने के लिए आप ये आईब्रोस का क्वीज़र जो आता है या कोई चिमटा आता है ये कोई वहाँ रख लेना चाहिए ताकि इसको बराबर ऊंचा करे क्योंकि आप कोई मैच स्टिक या कुछ लेके ऐसे ऐसे करने जाओ तो ये बुझने की संभावना है आप कुछ भी ये देखिए ऐसे ऐसी चीज़ आप खरीद के घर में रख लो तो परमानेंटली दीपक को ठीक करने काम आए दो होना चाहिए एक से ऊंचा करें दूसरे से ऊपर से एकदम आगे से जो काला गुल निकल रहा है धीरे से क्योंकि पूरा ऐसे खींचोगे तो ज्योति के साथ ही वो पूरा निकल जाएगा और ये खंडित हो जाएगा इस जो अग्नि इसलिए उसमें एकदम आगे का थोड़ा सा गुल को धीरे से निकालना जब तक पीछे वो अग्नि जल रहा है क्या धीरे से ऐसे पकड़ना ताकि वो अखंड बना रहे और इसको स्थापित करते समय ये प्रार्थना करके करना कि प्राकृतिक कारणों से या कोई बिल्ली चूहा के कारणों से ये दीपक अगर खंडित हुआ तो भी प्रभु इसको अखंड मान करके आशीर्वाद दें ये पहले ही निवेदन करके इस दीपक को स्थापित करना चाहिए क्योंकि अगर आप कितना भी अखंड रखोगे कोई हवा लगने के कारण कोई बिल्ली चूहा आने के कारण किसी कारण से धक्का मार गया तो आपने अखंड दिया बोला हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा पहले से ही कह देना कि भाई जब मैं देखूँ अगर बुझा दिखे तो मैं वापस जला दूंगी। उस समय उसे आखंड माना जाए ऐसे पहले ही प्रार्थना कर लेने से कोई प्रकार की श्राप पाप लगने की संभावना नहीं रहती इसमें हम घी भरे हैं इस दीपक को सर्वोत्तम करना है तो इसमें पांच इलायची डाल सकते हैं दीपक में और केसर थोड़ा डाल सकते हैं थोड़ा सा चमेली का मोगरे का कोई अत्तर थोड़ा डाल सकते हैं ताकि दीपक पूर्ण दैविक रूप से प्रकट होता है और जब जलाना चाहते हो तब जरूर श्वास को अंदर खींचते हुए जलाना चाहिए जब भी ये दीपक प्रकट करते हैं उस समय हमारा श्वास अंदर की ओर जाना चाहिए और दीपक जलना चाहिए तो पूर्ण रूप से आपको दीपक जलाने की कृपा होती है इसको कहते हैं पूरक मुद्रा क्या है पूरक करते हो ना प्राणायाम में पूरक कैसे किया जाता है हाँ वो पूरा करते करते जलाते हैं तो उस दीपक में देवताओं का सानिध्य पूर्ण रूप से रहता है और इस दीपक में आपको इलायची पाँच डाल सकते हो हमने सब में डाला यहाँ देखिए इसमें इलायची है इस दीपक में इलायची है और देखिए हमने क्या डाला पीला सरसों भी डाला है जिससे ये दीपक विघ्नहरन बन जाता है क्योंकि सरसों का तेल का दीपक तो भैरव को दुर्गा को काली को चंडी को उग्र देवताओं को जलता है लेकिन ये घी का दीपक सभी देवताओं का लाभ करता है लेकिन उसमें विघ्न हरने के लिए थोड़ा सा पीलो सरसों डाल दें तो घर में कोई विघ्न संकट हो तो वो इसी घी के दीपक के द्वारा क्या हो जाता है हाँ तो ऐसे दीपक को अपन जो कुंभ स्थापित करते हैं कुंभ के आगे पूर्व मुख में कुंभ होना चाहिए उसके आगे दीपक दोनों को गेहूं का ढेर करके उसके गेहूं के ढेर के ऊपर इसको रख देना चाहिए समझ आ गया दीपक का कोई समझ में बाकी है और इसको रोज अपन ऐसे इससे इस से पकड़ें दो है क्या बेटा एक से पकड़ें और दूसरे से थोड़ा सा आगे से धीरे से पकड़ के निकालें ताकि ये जो जल रही है यह साथ में नहीं आ जाना चाहिए ये पीछे भी बत्ती में जलती रहनी चाहिए यानी ये अखंड रहना इसको पूरा निकाल दिया ना वापस जलाया तो वो अखंड नहीं है इसलिए धीरे से उसको निकालना इसलिए ये चाहिए ये दो घर में हर घर में हो तो रोज अखंड दिया करने वालों को बहुत लाभ होता है जो अखंड दिया करते अब कलश की बात जब कलश आ गया है सुंदर कलश आया तो इस कलश में जिनको सामर्थ्य है कि मैं थोड़ा खर्चा कर सकती हूँ तो वो लोग इसमें गंगा जल ला डाल सकते हैं गंगा जल में कोई प्रकार के कीड़े नहीं पड़ते कोई प्रकार की दुर्गंध नहीं आता गंगा जल दस साल तक भी कहीं रहे तो सर्वोत्तम रहता है इसलिए और देवों का सानिध्य इसमें जल्दी मिलता है इसलिए ये गंगा जल होनी चाहिए क्या होना है और गंगा जल को भरते समय ध्यान रखना कि ये नारियल बेले बैठा के देख लेना एक बार ऐसे और नारियल जहाँ बैठता है उसके नीचे तक की जल भरना चाहिए नारियल जल में नहीं लगना चाहिए थोड़ा बराबर लेवल टू लेवल रहना अगर नारियल जल में पड़ा तो ये नारियल सड़ जाएगा यहाँ से और उसी कारण घर में नवरात्रि के बाद संकट आता है उसका कारण है कि ये नारियल में वो जल का संपर्क होने के कारण देव शक्तियाँ कुपित होती है बराबर लेवल थोड़ा सा देखो भाई महाराज अब फिर बाद में आप रोज इसको उठा उठा के जल टच हो रहा है क्या टच हो रहा है कि इसको फिर हिलाना नहीं है अभी पहले ही पहले एक बार ऐसे रख के देखना भाई अंदाज इतना आ रहा है थोड़ा सा ऐसे टच हो तो चले थोड़ा सा यहाँ पूरा ही ऐसे डुबा दिया दे देखो ये इतना अंदर जा रहा है कोई भर दिया तो पूरा ही डूब जाता है जिस दिन दसवें दिन उठाओगे तो देखोगे तो काला पड़ा हुआ है खाई पड़ी हुई है गंदी बास रही है और ये बास ही दुख देने वाला हो जाएगा समझ गए हो ना इसलिए लिमिट से पानी डालना और इसमें ऐसे स्थापित करना अब इसको कैसे करें महाराज तो इसके अंदर आपको कितने देवता आपको पूजनी हैं आप आपकी इच्छा है भाई मैं तो मेरे इष्ट के कई लोग ऐसे होते महाराज हमने हमारे इष्ट के सिवाय किसी का नाम ही नहीं लिया अच्छा भाई इष्ट का नाम ले रहा तो इष्ट की पूजा करना चाहता है इष्ट के नाम से एक सुपारी लें कितना और किसी को ऐसा है कि मेरे कुल देवी को भी पूजना इस कलश में एक कलश एक का ही होता है लेकिन ये सरल उपाय है क्योंकि संसारी पच्चीस कलश कहाँ रख पाएगा भाई मैं पच्चीस कलश स्थापित करूँगी ऐसे कौन कौन है भाई मैं तो कृष्णगिरी में अभी पाँच हजार कलश स्थापित करके पूजा किया कि आप सबका करोना बग जाए उसके बाद जैसे ही एक पाँच हजार कलश की पूजा हुई थर्ड वेव अपने आप चली गई और सब शांति हो गया ये। तो ये कलश की शक्ति अभी देखो आप ये हमने करोना के लिए ही वो कराया था हवन पता है ना अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ मैं तो कलश स्थापित नहीं करता हूँ मेरे तो भगवान बैठे हैं लेकिन आपको बताऊँ कि एक सुपारी कुल देवी की जिसके कुल देवी हैं जिसके कुल देवता भी हों कौन देवी और देवता दो होते हैं ना तो देवता के लिए एक नहीं है तो खाली देवी का एक फिर दुर्गा के लिए एक आ? फिर लक्ष्मी के लिए एक फिर सरस्वती के लिए एक कितने हुए अगर देवता नहीं है देवी है तो एक पद्मावती के लिए आपको डालना किन के लिए कृष्णगिरी वाली पद्मावती माँ एक आप हो मेरे लिए एक हमारी कुल देवी है एक दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती कितने हुए अगर कुल देवता हैं तो एक और जोड़ लें तो छः हो गए कितने हो गए किसी के पुरुष देवता कुल देवता होते हैं ये गोत्र देवी होती है ऐसे दो दो होते हैं वो कौन है उनको दो लेना कुल देवता का एक कुल देवी का एक पद्मावती माँ का एक कृष्णगिरी वाली दुर्गा माँ का एक लक्ष्मी माँ की एक सरस्वती माँ की पहले सबसे पहले कलश में ये चीज़ें डालनी है क्या करनी है जल भरने के बाद मैंने पहले बोल दिया ना नारियल रख के जल चेक कर लो पहले जल भर देना है मैं आपको ये सरल उपाय बता रहा हूँ मंत्र गिंत्र कुछ नहीं है बहुत सरलता से आप बोल पाओगे मैं बोलूँ कि अश्विन महाकलश है मम आराध्य सर्वकुल देवता गोत्र देवता इष्ट देवता दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती आदि स्थापनम करो करो सानिध्यम देहि दे मंगलम है सब करो तो फिर मुश्किल पड़े इसलिए आपको दो लाइन साधारण भाषा में बताऊंगा वो करके आप कलश स्थापना कर सकोगे और पावर तो पूरा आपको वही मिलेगा जो बड़े बड़े पंडित बोल के जो स्थापना करते हैं वही पावर आपको इसी में मिल जाएगा बड़ा पंडित बनने का जरूरत नहीं पड़ेगा पहले जल भर दिया ना अब क्या किया पहले सुपारी डालना सबसे पहले क्या करना जितने देवता चाहते हो आप और भी देवता चाहते हो भाई हम तो माँ पार्वती को मानते हैं गुरुदेव तो आपकी मर्जी आप वो डालो आप और कोई देवी मानते हो भाई हमारे ये मान्यता है तो आप डालो मैंने तो संख्या बताई है ये कोई कितनी भी संख्या हो सकती है इतने देवता इसमें इन उनके नाम से डालना है एक एक करके देखो ऐसे कुल देवियई नम कुल देवता नम है देवी नम ओम दम दुर्गा यही नम ओम महालक्ष्मी नम है ओम सरस्वती देवी नम ऐसे नमस्कार करके उनका ध्यान करके डाल दिया अब आगे क्या डालना इस कलश में भी थोड़ा सरसों डालना क्या डालना पीला सरसों क्लो सब आ रहा है भाई खोल के दिखाना है कैसे ही दिखता अच्छे दिख रहा है दिख रहा बहन ये डालना थोड़ा सा इस लेना मुट्ठी में कितना थोड़ा इसमें डाल दिया डाल दिया ऐसे डाल अब क्या किया ये क्या बहन सर्व औषधि नाम का दुकान में एक चीज मांगेंगे तो वो मिलेगा क्या चीज सर्व औषधि नाम का चीज दुकान में बोलोगे पूजा दुकान में सर्व औषधि दीजिए छोटा सा पैकेट मिलता है कोई बड़ा पांच दस रुपए का चीज होता है वो डालना है इसमें पूरा सर्व औषधि क्योंकि उन देवों को आपके घर में रहते समय कोई भी प्रकार से शारीरिक दुख ना हो इसलिए औषधि युक्त जल में उनको विराजमान करना इसलिए सर्व औषधि डालना पंचरत्न मिला बेटा अभी ढूंढ के काड़े के लाड़े देखो बोला फिर आपसे हो सके तो एक सोने का सिक्का डालो नहीं है तो चांदी का सिक्का डालो उसमें कोई देवी देवता नहीं होना चाहिए कोई स्वस्तिक हो सकता है ओम हो सकता है कमल हो सकता है प्लेन हो सकता है कोई दूसरा नाइन नाइन लिखा हुआ इंग्लिश कुछ हो सकता है दुकान का नाम हो सकता है लेकिन देवी देवता नहीं होना सोना डाल सकते हो सोना डालो एक ग्राम चांदी डाल सकते हो एक ग्राम चांदी डालो नहीं डाल सकते हो तांबे का सिक्का डाल दो कुछ भी नहीं डाल सकते हो पाँच रुपये का सिक्का डाल दो अंदर क्या डालना पाँच रुपये का सिक्का तो डालना पड़ेगा और ये पंचरत्न है ये कितने का आया माता जी ये पाँच दस रुपये का भी नहीं है देखे तो दिख रहा है ये आप जरूर ले सकते हैं दुकान में पंच रत्न पूछोगे तो देंगे खाली नाम का है ये कोई रत्न नहीं है एक नाम के लिए एक हमको औपचारिकता के लिए करना है भारी आपको रत्न लेके जिसको डालना वो डाल सकते हैं आपकी कुछ अच्छे से अच्छी चीज़ डाल सकते हैं फिर कलश विसर्जन के बाद वो चीज़ निकाल के अपने अलमारे में ही रखना है समझ गए ना इसलिए अच्छे से अच्छी चीज़ डाल के वापस रख लो आपको लगे कि अरे ये मेरा तो नदी में चले जाएगा कहीं नहीं जाएगा घर के अलमारे में रहेगा इसलिए बहने फिर नौ दिन नींद ही नहीं ले मैं पूछूँ कि भाई बहनों नींद नहीं ली क्या नवरात्रि में रात्रि जागरण किया क्या रात्रि जागरण नहीं महाराज वो सोने का सिक्का डाल दी तो वो विसर्जित हो जाएगा ये चिंता में नींद ही नहीं ले पाई मैं दस दिन हाँ ये रात्रि जागरण हो गया एक कितना ये पंच रत्न बोलोगे तो देंगे क्या बोलना पाँच रुपये का आएगा मेरे ख्याल से या दस रुपये का अधिक से अधिक ये नाम का ही है और असली आपको जैसे आप अपनी सामर्थ्य अनुसार करो मैं तो आपको खाली विधान बता रहा हूँ इसमें औषधि डालना है सरसों डालना है पंचरत्न डालना है अब आपको कोई भी अपने ताकत अनुसार एक या पांच अत्तर इसमें डालना पांच डालें जितने देवता है उस संख्या में आपने जितनी सुपारी डाली उतना अत्तर दो दो बूंद भी डालो तो चले लेकिन उतने प्रकार के डाल दोगे तो बहुत लाभ होता है भाई हमने छह सुपारी डाली छह अत्तर डालो पांच सुपारी डाली पांच नहीं हमारा सामर्थ्य नहीं महाराज हम गरीब है तो दो बूंद कोई भी अत्तर डालो नहीं भी डालोगे तो चलेगा लेकिन अत्तर रहे तो अच्छा है फिर कोई गुलाब की फूल की पाखुड़ियाँ हैं दो मोगरे हैं खाली दो दो एक एक डालना चाहिए क्योंकि वो अंदर के अंदर सड़ेगा फिर पड़े पड़े नाम के लिए दो पांकुड़ी गुलाब नहीं दो खाली दो पांकुड़ी गुलाब की एक मोगरा या कुछ अंदर फूल डाल देना चाहिए फिर डालना केसर क्या डालना क्या डाल इधर का है केसर अरे इधर का है केसर इधर ये देखिए के, केसर है, है? केसर एकदम लाल छठ नया ताज़ा होना चाहिए ये कौन लाया केसर इसको यहीं फेंक देना इसको सब ले जाके डाल भूलोक का एकदम अंतिम केसर वही है देखो केसर ऐसे एकदम लाल नया ताज़ा हो थोड़ा केसर डालें ये सब आपके सामर्थ्य अनुसार करें सुपारी डालना ही पड़ेगा किसी को भी वो तो देवता के लिए और वो सुपारी सफ़ेद सुपारी होनी चाहिए पूरी साबुत सुपारी होनी चाहिए ये जरूर अंदर डालना ही है जल डालना ही है हम गंगा जल ले नहीं सकते महाराज अगर ऐसा है तो आप अपने शुद्ध छा एक कपड़ा डर के छना हुआ जल पहले भर लो अगर गंगा जल नहीं मिल रहा या नहीं खरीद सकते तो भर के उसमें हाथ ऊपर रख के गंगा जमुना सरस्वती सिंधु कावेरी आदि समस्त नदी के शक्तियाँ इस कलश में आएं सभी देवियाँ इसमें प्रवेश करें इस जल को पवित्र करें ऐसे इस विश्व में जितने पवित्र नदियाँ हैं सबको याद करके ऐसे बोलो कि सब इसका जल में आए इस जल को सानिध्य दें और इस कार्य को सिद्ध करें ऐसा बोलो तो ये हजार नदियों का जल बन जाता है आप ऐसे बोल के भी इसको स्थापित कर सकते हो आप समझ गए ये बात और केसर भरपूर डालना है क्या डालना है हाँ ये सब उधर डाल दे ले सब में डाल पर। कौन दिया वो लाल केसर ये कौन दिया अभी समझ आ गया सुपारी डालना है सरसों डालना है सरवि डालना है पंचरत्न डालना है एक सिक्का डालना है तांबे का चांदी का या पांच रुपए का वो आपके सामर्थ्य अनुसार अत्तर डालना है क्या डालना है समझ गए ना इतनी बात अब आठ पान लेना है कितना ऐसी डंडी वाली पान होनी चाहिए जिसमें डंडी हो अगर आप पान नहीं खरीद सकते नहीं तो कहीं से भी आठ आम के पत्ते तोड़ के ला सकते हैं कितने भाई हम खरीद नहीं सकते पान महाराज ऐसे तो कोई होते नहीं फिर भी एक मैं सब्सिट्यूट बताता हूँ कि आम के पत्ते से भी आप इस कलश को स्थापित कर सकते हैं आठ पान को चार दिशा में पहले चार पान रखना कैसे करना ये चार दिशा हो गई थे चार दिशा में चार पान कर दिया दिख रहा है क्या, क्या कलश बेटा ये चार दिशा हो गई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया अब चार विदिशा क्या चार विदिशा कौन सी अग्नि नैरुत वायु और ईशान कौन हो गया ये चार विदिशा और चार दिशा आठ दिशों से देवों को हम इस नोक से स्वागत कर रहे हैं ये पान का नोक उन, उन दिशा से देवों का स्वागत करता है इसलिए वो बाँ लगाना है भाई हम कई वर्षों से पान लगाए ऐसे ही लगा के बैठ गए ऐसे नहीं लगाए ये पान देव आमंत्रण तत्व को रखता है इसीलिए घर में कोई प्रोग्राम हो शादी हो तो घर के द्वार पर तोरण बांधते हैं पान का आम के पत्ते का आम का पत्ता हो पान हो देवों को आकर्षित करने का ताकत रखता है और कलश में लास्ट में ये सब कर दिया पान रख दिया तो बाद में यह भीम सैनी कपूर जितना डाल सकते हो आपके सामर्थ्य अनुसार थोड़ा डाल सकते हो सौ ग्राम डाल सकते हो जितना ज्यादा डालोगे पानी सुरक्षित रहेगा और पानी में देव सानिध्य रहेगा ये क्या डालना है लास्ट में यही डालना ऊपर क्योंकि वो ऊपर तिरता है समझ गए ना <coughs> पहले क्यों नहीं डालना ये ऊपर तिरा रहेगा तो नीचे वायरस बैक्टीरियल फंगस इंफेक्शन जल को नहीं लगेगा तो और यह डालना ज्यादा डालोगे तो जल सुरक्षित रहेगा क्या रहेगा तो यह आठ दिशा में रख दिया अब नारियल को लिया इस नारियल को आप कुमकुम से करना करना क्या करना? चार टिकी अंदर लगाना उसके ऊपर यह जो लच्चा है इसको लेके तीन बार आटे मारना कितना तीन राउंड मारने के बाद गांठ दे देना क्या करना आ देके दे के जहाँ स्वस्तिक सामने दिखे आपके सामने वैसे रख देना यानी दीपक के सामने वो स्वस्तिक दीपक जल रहा है तो स्वस्तिक को देखते जलना चाहिए समझ गए इसको एक लकड़ी के पाटे पर कर सकते हैं आपके अंदर पूजा स्थान में जगह है तो वहाँ कर सकते हैं जैसे भी आप ये नीचे भी रहेगा पाटे पर तो चलता है इसमें कोई दोष नहीं है वहाँ होना चाहिए जहाँ उस लो से कोई अग्नि का प्रकोप ना हो पास में कोई दूसरा चीज हो उस पर लग रहा है कोई उधर बिल्ली चूहे दौड़ते हैं उधर रखा है तो निश्चित वो गुड़ा के कुछ परेशान करेगा इसका बहुत सावधानी रख के ये कलश स्थापित करना हो और कलश में नारियल में एक स्वस्तिक किया करने के बाद उसी कलश में ओम लिखना आपको क्या लिखना ठ टक्कर का क्या आता है वो नहीं ठ कैसे होता है पूरा पूरा जीरो वाला ठ हाँ वो क्या अक्सर में आता है था था UH, आता है टमाटर टमाटर में नहीं आएगा ठाकुर ठाकुर में जो ठा आता है ओम ठा ह वो ठा मैं लिख के ही बताता हूँ बहन वो नोटबुक लाओ ये बताना ज़रूरी है कोई गलत लिख ली है तो भूत भूत आ जाए फिर देवता तो कहाँ है लो बराबर दिखना बेटा देखो एकदम दिखना ओम ठ हठ स्तंभन मंत्र है जो देवता को मैंने बुलाया किसी भी कारण से वो कलश में ही जब तक दस दिन नौ दिन पूजा हो तब तक उसी में स्थापित रहें स्तंभित हो जाए वो कहीं जा ना पाए ये स्तंभन मंत्र कलश पर कभी भी कलश स्थापना किसी भी गृह प्रवेश में करो कोई भी काम करके करो कहीं भी कलश स्थापित कर रहे हो कलश पर बोम टह 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 स्वाहा लिख दिया तो उसमें जो देवता है आपको छोड़ के कहीं जा नहीं पाएंगे वो वहीं सानिध्य देंगे क्या लिखना है कुकुम से लिखना किस से लिखना कुमकुम गीला किया अपना ये अंगूठी वाला उंगली से ओम ठहठ फिर क्या बोलना स्वाहा, स्वाहा लिखना अब ये कलश तैयार हो गई उधर दीपक तैयार हो गया अब आप भी तैयार रहना उस दिन से थोड़े अच्छे वेश पहनना आप भी थोड़ा तैयार रहना भाई हमने देवी को सजा दिया गली से भी कन्या बुलाएंगे औरतें बुलाएंगे वो भी सजी दजी आएगी लेकिन हम भूतणियों की तरह सब ड्रेस पहन के रहेंगे जीन्स पैंट पहनेंगे टी शर्ट पहनेंगे कूलिंग ग्लास पहनेंगे और आई हुई को स्वागत करेंगे तो आप भी उन नौ दिनों में श्रेष्ठ वस्त्र पहने श्रेष्ठ वेशभूषा करें साक्षात देवी हो तो कैसी हो वैसे आप भी रहेंगे तो घर में भी सुख शांति आएगी पति लोग भी मेरे को अलग से कमेंट बॉक्स में भेजेंगे कि घर में बहुत परिवर्तन आ गया है महाराज हाँ कलश से आवे के नहीं वो बाद में आपके संस्कार से आ जाएगा वो बहुत ज़रूरी है तो ये कलश स्थापित हो गया अब आपके घर में जो भी देवता हैं अगर फोटो हैं तो हम गुरुवार को सात तारीख को सुबह सूर्योदय से बारह मिनट पहले उसको स्थापित करने के लिए पहले ही उठा के फोटो को नए कपड़े से अच्छा सा एक वाइट मलमल का कपड़ा हो उससे अच्छे से पहुँच के पहले कोई कुंकू टिक्की वगैरह लगी हो तो थोड़ा गीला पानी लेके उस सबको पहुँच के साफ़ करके शुद्ध कर दें मूर्ति हो तो अच्छे से पहुँच के शुद्ध करके रखें बाद में जैसे ही अपन स्थापित करेंगे ना उस समय में आप अभिषेक करके तुरंत दो बूंद दो मिनट में अभिषेक करना क्योंकि वो अभिषेक आराधना सूर्योदय से पहले नहीं होगा फिर वो अम्मावस में पितृपक्ष में किया हुआ दोष लगेगा साफ सफाई उठा के कर सकते हो मूर्ति का अभिषेक करना तो स्नान विधि हो गया वो सूर्योदय शुरू होने के बाद ही कर सकते हैं पहले ही सब दूध रख लिया व्यवस्था रख ली सब चीज़ रख ली खाली एक मिनट में उनको दूध से दुला दिया और पानी डोल दिया और पहुँच दिया एक तीन मिनट में होना चाहिए सब क्रिया फिर उनको बैठा दिया अब जिन जिन लोगों ने सिंहासन पर बैठाया है अपने कुलदेवी को देवताओं को वो लोग नया उस सिंघासन में लाल कपड़ा बिछाएं नए कपड़े बिछाएँ उस पर इनको बैठाएं सबको मूर्तियाँ है तो मूर्ति बैठाओ फोटो है तो फोटो बैठाओ उन सबको बैठा दिया लेकिन हम खास करके कलश में ही पूजा कर रहे हैं क्योंकि कलश में हमने कुल देवता क्या कुल देवता कुल देवी पद्मावती, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सभी देवी को कलश में रख दिया अब गुरुवार हुआ सात तारीख क्या हुआ उस सात तारीख गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय हुआ आप अपने पेपर से अपने स्थान का सूर्योदय का टाइम देख लें हर गांव में अलग अलग होता है और सूर्योदय होते ही पहले ये जो जितनी चीज़ें रखी हुई है उसमें आपके पास प्रथम पूज्य यानी सनातन धर्म वाले गणपति को प्रथम पूज्य मानते हैं जैन धर्म वाले अपने भगवान को गुरु को प्रथम पूज्य मानते हैं ऐसे जो जिनको प्रथम पूज्य मानते हैं सबसे पहले उनकी एक छोटी पूजा एक छोटे दीपक से धूप से पुष्प से एक छोटा टिक्की करके छोटा नैवेद्य फल लड्डू हो मोदक फल रख के सूर्योदय होते ही दो मिनट में वो प्रथम पूजा करके नमस्कार करें जिनको आप प्रथम मानते हो तीर्थंकरों को मानते हो या गुरु को मानते हो आपका मन महत्वपूर्ण है मन किसको पहले करने कहता है उनको करके आज्ञा लो के भाई मेरे ये कार्य से मुझे लाभ हो गुण ज्ञान संस्कार मिलें घर में शांति हो हर देव की कृपा हो ऐसे प्रार्थना करके पहले एक गणपति हो कोई भी हो एक पहले टिक्की कर दो कुमकुम की दो फूल चढ़ा दो धूप दी पहले ही सब रेडी रखना आप ये करते रहोगे लंबा पड़ जाएगा पहले ही रेडी रखना दो मिनट में ये सब पूजा कर लिया फिर उनको वंदन कर लिया फिर एक मिनट वहीं खड़े होकर जिन, जिन को वंदन करना है उन सबको एक मिनट में वंदन कर लेना आपके पूर्वज हों बड़े हों देवता हो, इष्ट हो, गांव में अभी कई लोग अब बॉम्बे में रहते हैं तो सिद्धि विनायक को मानते हैं कोई कहीं रहते हैं तो वो अपने गांव के देवता के ऐसे जिन, -जिन को मानते हैं सबको वंदन एक मिनट में करके कि भाई मेरा नवरात्रि उत्सव में पूर्ण रूप से मन लगे भक्ति में दिल लगे और इस भक्ति से मेरा जीवन सफल हो देव कृपा हो ऐसे सबको प्रार्थना कर लिया फिर सबसे पहले तुरंत ये जो दीपक है इसको मैंने बोला ना पूरक करते करते इसको जला दें सबसे पहले दीपक को प्रकट करें दीपक को प्रकट करने के लिए माचिस लेके कोई अच्छा है कि जिस स्त्री के शादी हुई हो और शादी होने के बाद सास ससुर माता पिता चारों जीवित हो अगर सास ससुर माता पिता चारों जीवित हैं तो वो करें सबसे पहले उनसे अगर नहीं है तो घर में कोई कन्या लड़की है तो उससे करवाएं ये भी नहीं है तो कोई लड़के से भी करा सकते कोई लड़का हो उससे कराए ऐसे कर सकते हैं या अगर आपको वो भंग नहीं बैठ रहा भाई हम अकेले हैं हमारा यही हालत है तो आप भगवान को प्रार्थना करके कोई भी हो आप कर सकते हो मैंने तो उच्च कोटि की बात बताई कि भाई अगर आपके माता पिता सास ससुर जीवित है ऐसी आप स्त्री हो तो चार मात की पांच भी आप संतान होते हैं पंचवा संख्या बहुत लाभ देता शास्त्रों के हिसाब से इसलिए वो करें नहीं तो कन्या से कराएं वो नहीं लड़के से कराए वो भी नहीं भाई हम विधवा हैं हमारे ये नहीं वो नहीं फिर वो सब कमेंट करके मतलब नहीं आप कोई भी हो भगवान सबके हैं आप भी करो जो भी है आप प्रकट कर दिए अब आपने प्रकट कर लिया दीपक दीपक प्रकट करते ही तुरंत पहला काम क्या करना है महाराज तो पहला काम हाथ में थोड़ा सा चावल लेना है वो चावल कुमकुम से सना हुआ लाल चावल होना चाहिए और थोड़ा कुमकुम गुलाब की पाकुड़ी मोगरा कोई फूल हथेली में ले लिया क्या क्या, क्या लिया बेटा चावल गुलाब की पाकुड़ी या कोई फूल और जल क्या ले लेना हाँ। मैंने जिन जिन देवों का जो देवों को आपने सुपारी के रूप में डाला ना अंदर हाँ? उनका नाम लेके श्री कुल देवी श्री कुल देवता श्री लक्ष्मी देवी श्री दुर्गा देवी श्री पद्मावती देवी श्री सरस्वती देवी इस कुम्भ में प्रवेश करें और जब तक नौ दिन में आराधना करूं इस कुंभ में स्थापित रहें और पूर्ण रूप से कृपा बरसाएं और यही नौ दिन तक इस कुंभ में विराजमान रहें ऐसे उनको विराजमान रहने के लिए निवेदन करके आप सब कलश में पधारिए मैं आपका स्वागत करती हूँ इतना ही कहना क्या कहना पहले उनका नाम ले लेना ओम फुलदेव ये नम ओम गोत्र देवता नम ओम पदमावती नम ओम दुर्गा नम ओम लक्ष्मी नम नमो ओम सरस्वती नम और आपने किसी का डाला हो तो ऐसे नम नम बोल के आप सब अब इस कलश में पधारो और नौ दिन तक मेरे इस पूजा में सानिध्य प्रदान करो और पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करो जब तक मैं आपकी पूजा करता हूँ नवरात्रि में ऐसा बोल के ये उसके ऊपर डाल देना क्या डाल देना ये नारियल के ऊपर ऐसे डालना है ऐसे हाथ में लेना सीधे से डालना है ऐसे लेना है जल में चावल रहेगा और लाल चावल रहेगा और गुलाब की या मोगरे की कोई फूल की पांकड़ी होगी कुछ नहीं होता चार गेंदे की पांकड़ी छोटे गांवों में हो तो वो भी लेके ऐसे उसके ऊपर सीधा सामने डाल के पधारिए स्वागत है पधारिए स्वागत है पधारिए स्वागत है ऐसे स्वागत करना तुरंत ये करने के बाद इस आ गए तुरंत इसको एक टिक्की करना क्या करना पहले तो हम प्रथम पूजे की पूजा कर लिए फिर दीपक जलाए फिर कुंभ में हमने आस्वागत किया कभी आप सब नवरात्रि के नौ दिन पूजा के लिए इस कलश में पधारो सानिध्य प्रदान करो उसके बाद तुरंत हमने इसको माला पहनानी है तो माला पहनाओ दो फूल लगाना तो फूल लगाओ उसके पहले टिक्की लगाना टिक्की लगा के एक छोटे से दीपक में कौन धूप या कोई धूप करना है इस कुंभ के लिए फिर एक छोटा सा दीपक करना अखंड दिया जो जल रहा है वो अलग जलेगा वो अखंड दिया सब देवों के लिए फिर कलश के लिए एक छोटा दिया दिखाना फिर कोई भी मिठाई या फल गरम बनाया है अगर कोई लापसी बनाई चूरमा गरम गरम कोई खीर बनाया तो वो और दो फल केला जरूर होनी चाहिए पूजा में केला का आवश्यकता है पूजा में केला दो होनी चाहिए और कोई आपिल है नारंगी है कुछ भी एक पत्तल में रख के नहीं तो तांबे के पीतल के चांदी की प्लेट जो आपके सामर्थ्य मिट्टी की प्लेट में कसोरे में पत्तल में किसी में भी रख के इसको चढ़ा दिया अब ये हो गया कलश का पूजा फिर वंदन करके सभी देवी मुझे आशीर्वाद प्रदान करे घर को आशीर्वाद प्रदान करे सकल मंगल करे सर्व कल्याण करे सभी बच्चों का आशीर्वाद दे घर परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दे समझ गए बात ये सब जो प्रार्थना करना कर दिया अब आपको आपके घर के देवताओं की पूजा करनी जो भी उधर रखा हुआ क्योंकि इसके अलावा कई होंगे आपके पास कोई शिवलिंग होगा आपके पास कोई पार्शनाथ होंगे आपके पास गौतम स्वामी होंगे आपके कई भी होंगे आपके देवता कितने होंगे उन सबको टिक्की लगा के दो पुष्प चढ़ा के उनके लिए धूप दीप करके उनको भी नैवेद्य चढ़ा दिया ये हो गया पूजा ये पूजा हर दिन निश्चित रूप से सुबह आठ बजे पहले एक बार और शाम को छः बजे के समय में एक बार छः से सात के अंदर एक बार होना चाहिए क्योंकि आप एक बार नवरात्रि में रोज़ तो घर में एक बार दिया ही करते हो कि नहीं उसको अभी भी करो तो फिर काई की नवरात्रि है दो बार पूजा होनी चाहिए सुबह एक बार आठ बजे के पहले उसके बाद जो गर्मी बहुत हो रही है उस समय देवों को रि नहीं जाना आठ बजे पहले उठना भाई हम बॉम्बे में हैं बारह बजे उठते हैं क्या करें तो तुम्हारे देवता बारह बजे नहीं उठेंगे वो तो पाँच बजे ही उठेंगे क्या करेंगे भूखे बैठे रहेंगे बारह बजे तक तो आठ बजे पहले उनको एक छोटा भोग लगाना दो केला हो आपिल मिठाई सुबह शाम को भी छः बजे से सात बजे तक एक पूजा वापस करना सबका घर के देवताओं का कलश का रोज़ इसके लिए आप छोटे छोटे बीस दिए तो बना के रख लेने नौ दिन में अठारह दिए इस कलश को लगेंगे छोटे सुबह एक शाम एक सुबह एक शाम एक नौ दिन में अठारह दिए और आपके जितने देवता उतना दिया उनको भी सुबह शाम दो दिया करना किसी में भी भेदभाव करोगे तो मुश्किल पड़ेगा भाई जो पूजा कलश को कर रहे हो वो पूजा घर के देवताओं को भी करना जो इसमें नहीं है इसमें सारे देवियाँ और कुल देवता सिर्फ पुरुष एक ही इसमें आ सकते हैं वो क्षेत्रपाल भैरव हो सकते हैं आपके कुल देवता या कोई भी देवता उसके सिवाय कोई पुरुष इसमें नहीं आ पाएगा इसलिए वो जो पुरुष देवता जो भी फोटो में हैं घर में है उनकी पूजा आप अलग से करना टिक्की लगा के पुष्प चढ़ा के छोटा धूप करके दीप करके नैवेद्य फल लगा के उनकी पूजा करना समझ आ गया ना आपको बात हाँ तो अब ये कलश में विशेष सानिध्य प्राप्त करने के लिए भाई हम रोज पूजा कर रहे हैं तो नौ दिन तक सुबह शाम में आप दो केला है मिठाई फल ये चढ़ा सकते हैं पान बीड़ा चढ़ाओ तो बहुत अच्छा है जल रखो उनको पीने के लिए तो बहुत अच्छा आप जितना उपचार आपके सामर्थ्य जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ जितना आपका ताकत करो नहीं है तो कम से कम दो छोटा सा कोई चीज़ दाना भी रख दो तो भी पूजा मानी जाएगी आप शक्ति होते हुए कंजूसी नहीं करनी चाहिए भाई मेरे ताकत है मैं तो दाल बाटी में पाव किलो घी डाल के बैठती हूँ खाते समय लेकिन जब कुलदेवी का नाम आता है तो डालडा लाती हूँ सौ रुपये किलो का और वो चढ़ाती हूँ तो फिर तो जीवन ही डालडा हो जाएगा इसलिए सावधान रखना है अपने सामर्थ्य अनुसार पूजा करना अब इसमें वो सानिध्य को और बढ़ाने के लिए विशेष तरीका बताऊंगा अभी नौ दिन तक तो आपको क्या करना है रोज मन में आवे वैसी मिठाई बनाओ आप अपने मन में आवे जैसे फल चढ़ाओ आपकी खुशी लेकिन सुबह एक बार शाम एक बार पूजा होना ही चाहिए समझ रहे हो और शाम के समय में आरती भी साथ में कर लेना एक बार शाम के समय में आरती सुबह में खाली छोटा सा पूजा कर लिया भाई हम उठे सुबह पूजा करते समय नाये दोए होना चाहिए शाम को पूजा करते समय हाथ पैर धो लिए तो बस है शाम को जब पूजा कर रहे हैं हाथ और पैर धो करके हम पूजा करें बस भाई मैं हम अर सुबह शाम नहाएँ तकलीफ़ पड़ जिसको पुरुष हो तो दो बार नाए कोई गलती नहीं है आपको नहाने का सुविधा है दो बार ना के करो नहीं है तो कम से कम हाथ पैर धोए बगैर उसको स्पर्श नहीं करना और सबको दो बार पूजा करना अभी ये कलश में जो लक्ष्मी है सरस्वती है दुर्गा है पद्मावती कुल देवता एक एक दिनों में इनकी शक्ति अलग अलग प्रकार से होती रहती है आपके मूड बदलते हैं कि नहीं कि एक सरी के रहते हैं तो देवों की भी भोग प्राप्ति की विधि अलग अलग होती है दिनों के अनुसार उनका समय मन सब अलग अलग होता है तो मैं जो कहूँ वो काम कर लोगे तो इस कलश से आपको बहुत अच्छे से देव कृपा सानिध्य प्राप्त होगा वो कैसे पहले दिन गुरुवार के दिन आप जो मिठाई चढ़ा रहे हो ना आप जो फल चढ़ा रहे हो इसके लिए पत्तल खरीद लेना या कसोरा मिट्टी का रोज उसी में कलश को भी चढ़ाना यानी कलश देवता को भी कलश और दीपक के बीच में इतनी जगह रखनी चाहिए पार्ट दो पार्ट भी रखना पड़े तो रखना है एक पार्ट में अलग दीपक एक पार्ट में कलश ताकि कलश के आगे हम नैवेद्य रख सकें फूल चढ़ा सकें एकदम दीपक को कलश के पास ही मुँह के पास लग गए जैसे रख दोगे तो वो फूल गिर गया वो दीपक के ऊपर न खंडित हो गया या कोई नैवेद्य रखने की जगह नहीं रहा इसलिए ऐसे साइड में रखा तो ये सब फिर पूजा में मज़ा नहीं आएगा पाठ ऐसा बढ़िया रखना कि आगे कम से कम एक फुट का कम से कम जगह हो उस एक फुट में हम मट्टी का कोई कसोरा रख के फल मिठाई रख सकें फूल चढ़ा सकें माला चढ़ा सकें थोड़ा फूल उधर रख सकें सिंगार कर सकें इसी को भगवान मान के नौ दिन ऐसी भक्ति करो कि मेरे घर में तो माँ आई है कौन आई है मेरे घर में तो लक्ष्मी आई है भाई नौ दिन मेरे घर में लक्ष्मी बैठी है मैं लोगों को बुलाऊं खिलाऊं ब्राह्मणों को बुलाऊं कन्याओं को बुलाऊं खिलाऊं सबको दक्षिणा दूं जितना कर सकते हो करो एक बेटी की शादी में एक माँ क्या क्या करती है उतना बेटी के लिए जो करती है ये माँ के लिए कर देगी तो बेटी के लिए करने के लिए रोना नहीं पड़ेगी ये माँ आपकी बेटी का करना शुरू कर देगी समझ रहे हो ना तो इसलिए आप व्यवस्थित ये भक्ति करना है आप सब समझ गए हो अब सात तारीख के दिन जो ग्रह योग हैं ये शुद्ध गाय का घी डालना है दीपक में काऊ घी होना चाहिए शुद्ध घी शुद्ध घी अखंड दिया करें उनके लिए अब सात तारीख को जो ग्रह योग हैं उसमें देवी प्रसन्नता का अगर हम देखने जाएं, तो उस दिन देवी प्रसन्नता लाल चने से हो रही है किससे हो रही है लाल चने। तो उस दिन सात तारीख को लाल चने को उभाल लें क्या करें गुरुवार है उस दिन ग्रह के गुरु उच्च में है उस दिन और उस दिन उनमें शनि का राहु का दृष्टि पड़ रहा है तो लाल चने को ले करके उबाल लें नमक डाल के उबालें क्या करें उबालते समय ही नमक डाल के उबाल दिया फिर थोड़ा सा घी ले के गरम किया उस उबाले हुए को इसमें डाल के थोड़ा सा नारियल घिसा हुआ नारियल घिसते हो ना घिसा क्या बोलते हैं घिसा हुआ बोलते खिसा हुआ हाँ खिसा हुआ खिसा हुआ, हुआ। नारियल थोड़ा उसमें डाल के हल्दी थोड़ा सा हल्दी नारियल थोड़ा सा हल्दी डालना वो हल्दी उस दिन के ग्रह योग के अनुसार लाल चने के साथ जुड़ेगा तो उस दिन गुरु बन के देवता आशीर्वाद देंगे क्या बन के लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा पद्मावती आदि गुरु रूपिणी बनेगी उस दिन क्या बनेगी गुरु, गुरु रूप में आशीर्वाद देगी क्योंकि ये शास्त्र में गुरु रूपिण्य ही नमक है सस्त्र नाम एक नाम ही है माँ जब प्रसन्न हो जाती है भक्तों को स्वयं गुरु बन के आशीर्वाद देती है तो उस दिन पहले दिन हमको इस कलश का भोग जब चढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा घर के देवताओं को भी चढ़ा सकते हैं आपकी इच्छा हो तो लेकिन कलश में विशेष चढ़ना है घर के देवताओं को भी चढ़ा सकते हैं क्योंकि घर में भी कुल देवी वगैरह अलग रखा है ना उधर भी थोड़ा थोड़ा चढ़ा सकते हैं तो ये लाल चना लिया उसको घी से बुना उसमें खिसा हुआ नारियल थोड़ा डाला और थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको किया फिर वो पत्तल को बाहर रखा कलश में चढ़ाया पत्ता दोना 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 होता है ना बाउल पत्ते का बाउल मिट्टी का ले लो कसोरा पित्तल का बाउल लो अभी तुम्हारा मराठी में काम अभी बोलने जाओ हाँ तो ये देख लो सुन लो आप लोग तो ये करके चढ़ाया रोज कलश को जो भी प्रसाद चढ़ा रहे हो आप सब घर वाले खा सकते हैं कलश का प्रसाद कुलदेवता का प्रसाद है लक्ष्मी सरस्वती आपके घर में कुल, देवी, कुल देवता का प्रसाद स्त्री नहीं खाती हो ऐसा कोई परंपरा हो आपका तो आप मत खाएं और जिनका सब खाते हैं वो खा सकते हैं बाकी उसमें प्रसाद है लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा पद्मावती का ये चढ़ा हुआ वो खाने से उनको बहुत लाभ होगा क्योंकि ये सब विशेष प्रसाद हम बना रहे हैं पहले दिन क्या बना रहे हैं लाल चने में हल्दी डाल के खोपरा खिस खिसा हुआ डाल के घी में बून के गरम गरम बाट एक दोने में पत्तल में करके रखें और गणपति को भी रखें प्रार्थना जो भी वहाँ हैं आपके जो भी हैं भाई देवता गुरु उनको भी थोड़ा थोड़ा आप शक्ति हो तो चढ़ाएं नहीं तो भाई हमारा सामर्थ्य कम है तो वो देवता जितने घर में सबके लिए एक पत्तल में थोड़ा सा दिखा दें ऐसा भी करें लेकिन भक्ति करें जितना कम है मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी भक्ति जितनी होगी उतना फायदा अब दूसरा दिन कौन सा बार है शुक्रवार शुक्रवार के शुक्र ग्रह के योग से लक्ष्मी देवी उस दिन ये चोली से प्रसन्न होती है इससे इसको भी ये सफ़ेद चोला है ना चोला हम लोग बोलते हैं चोली बोलते हैं दिख रहा भाई चोली अच्छे से दिखा देना लोग को डाउट आवे ना चोली के बदले गो गोली लेके आ जाए ये चोली को पानी में नमक डाल के उबाल लें क्या करें हाँ सुबह एक बार बनाना है ये या शाम को ये कभी एक बार ये चढ़ाना शाम के टाइम रोज़ ये कर लिया करो सुबह कोई मिठाई फल चढ़ा लिया रोज़ शाम के टाइम ये विशेष भोग आपने चढ़ाया कलश को तो ये चोली को उबाला इसको ऐसे ही नारियल खिस के डालना हल्दी नहीं डालना इसमें हल्दी नहीं खाली ये ऐसा ही रहेगा नमक वाला खोपरा खिसा हुआ नमक भी अपन जितना खाते हैं उस हिसाब से खूब नमक अंदर नहीं डाल देना भाई आप खाते समय कैसे उपयोग करते हो जितना क्वांटिटी बनाया उस हिसाब से नमक डालना उसमें और ये चोली में खिसा हुआ खोपरा डाल के इसको घी से बून के एक वाट में कटोरी में भर के कलश को और अपने देवताओं को चढ़ाना ये शुक्रवार आठ तारीख को आठ तारीख को ये सफ़ेद चोला अब नौ शनिवार को इधर रख देना एक मिनट हाँ भी ले लें नौ तारीख शनिवार को काला तिल क्या लेना है इसका आपको शक्कर की चाशनी बना के लड्डू बनाना है और ये लड्डू आठ की संख्या में बहुत छोटी छोटी हो सकती है बड़ी बड़ी आपके हिसाब से लेकिन आठ लड्डू कलश को चढ़ेगी फिर आपके घर के देवता का आपकी अनुसार एक दो तीन आपकी अनुसार सबको चढ़ा सकते काले तिल के लड्डू तो आप जानते हो बनाने लेकिन ये गुड़ से नहीं बननी चाहिए समझ जाना ये शक्कर की चाशनी से ही बनेगी गुड़ से नहीं बने कई लोग तिल का लड्डू गुड़ के भी बनाते हैं वो नहीं चलेगा शक्कर की चाशनी से बनी हुई लड्डू शनिवार को हम नौ तारीख को चढ़ाते हैं अब दस तारीख को रविवार को होगा गेहूं दस तारीख को रविवार को आका गेहूँ इसको पहले दिन ही भिगो के रखना चाहिए अच्छे से पानी में भिगो के रखना पहले दिन ही भिगो एक दिन पूरा भिगना बाद में इसको कुकर में उबालना है इसको कुकर में अच्छे से उबालने के बाद गुड़ क्या रविवार के दिन गुड़ इलायची केसर सब डाल के गुड़ का मीठा बनाना इसका उबला एकदम उबालना नहीं तो एक कच्चा रहेगा ये फूटना तो बहुत सारे कुकर में सीटियाँ आएगी तब जाके ये उबल पाएगी ये क्योंकि कड़ा वस्तु होने से जल्दी नहीं उबलेगी ये अच्छे से उबाल के देखना कि अच्छे से यूँ हाथ से लगा के, के भाई ये उबल गया है पक गया है तो उसके बाद इसको थोड़ा सा केसर इलायची डाल के गुड़ में अच्छे से एक खीचड़ा बनाते हैं ना गुड़ का गेहूँ का खीचड़ा ऐसे खींचड़ा बना के गेहूँ गुड़ का खींचड़ा वो हमको दस तारीख को चढ़ाना है कितने तारीख को गुरु शुक्र शनि रवि अब अगला सोमवार आया क्या आया ग्यारह तारीख इस ग्यारह तारीख को कलश को चढ़ाना है चावल के आटे से मीठा बनाया हुआ चावल का लाडू चावल के आटे का लाडू बनता है ना सोजी का लाडू बनता है ना कैसे बनाते हो वैसे ही है चावल के आटे का लाडू बनना इसमें भी शक्कर का उपयोग करना का शक्कर करते हो ना आप लोग नहीं नहीं शक्कर चाशनी नहीं सा ऐसे ही शक्कर को ही डाल के मिला के लड्डू बनाना है समझ गए ना और इसको सेकना नहीं इसको सेकना नहीं घी में डाल के शक्कर डाल के लड्डू बना सकते हो इसको अग्नि में नहीं सेकना हाँ एक अच्छा रहेगा एक अच्छा ही रहेगा सेका हुआ देवों को नहीं छड़ता समझे तो इसलिए एक अच्छा ही रहेगा इसमें शक्कर मिला दिया घी मिला के ऐसे ही लड्डू जैसे करके बना दिया फिर वो प्रसाद हम भी खाएँ थोड़ा सा मात्रा में ये चढ़ा सकते सोमवार को चावल के आटे का लड्डू है मंगलवार को ये मसूर दाल क्या है मसूर दाल। देखो सिर्फ यही भोग नहीं है सुबह शाम ये कलश को दो मिठाई और फल भी चढ़ना चाहिए आप सिर्फ यही बन बना बना के बैठ जाओगे तो ये तो विशेष उस कलश से सिद्धि पाने के लिए उपाय है समझा न लेकिन मिठाई फल चढ़ना है मंगलवार को ये मसूल दाल उबालना है क्या करना है नमक डाल के जैसे उबालते बहुत देख के उबालना क्योंकि जल्दी पक जाए फिर खिचड़ा जैसे थोड़ा सा नाम के लिए इसको उबाला और उबालने के बाद इसमें भी नारियल खिसा हुआ डाला और इसको ले लिया बस घी से तल के इसमें हल्दी नहीं डालना नमक? सिर्फ नम वो तो नमक डाल के उबाल दिया पहले खाली घी में भून के निकाल दिया मंगलवार को ये करना बुधवार को हरा मूंग लेकर के हरा मूंग उबालना क्या उबालना इसमें भी वही इसमें वही नमक डाल के उबालना और घी में खोपरा खिसा हुआ डाल के बूनना और इसमें ऊपर से धनिया की पत्तियाँ डालनी हरी क्या डालनी है हरी धनिया की पत्तियाँ इसमें पड़ेगी एक्स्ट्रा एक एक ही दिन ये पत्ती पड़ेगी वो बुधवार का दिन हो गया ना अब वापस गुरुवार आ गया पहला गुरुवार था अब अगला गुरुवार आ रहा है इस गुरुवार के दिन ये तूर की दाल क्या वस्तु तूर की दाल ये तूर की दाल लेना इसको भी उबालना है नमक डाल के थोड़ा सा एकदम थोड़ा उबालना ताकि ये अच्छा खा साबुत रहें गले नहीं लेकिन पक भी जाए फिर उसमें थोड़ा सा हल्दी खोपरा खिसा हुआ ये डाल के इसको भून के कटोरे में भर के ये चढ़ाना है अब अंतिम दिन शुक्रवार आया उस दिन दो चीज़ चढ़ानी है कितनी चीज एक तो चावल का खीर विशेष शुक्रवार को चावल डाले हुए खीर बनते हैं ना चावल का खीर वो एक चढ़ाना है और समस्त ग्रह देवताओं को याद करके राहु केतु आदि देवताओं को याद करके घर के देवताओं को याद करके कलश के देवताओं को सभी को याद करके बनाने के पहले ही प्रार्थना करके कुलती लेना क्या लेना घोड़ा खाता है इसको कुलती बोलते हैं घोड़ा खाता है कोई कुलित भी बोल रहा है कोई आ? दुकान में क्या बोलते हैं कुलित, कोई कुलती बोलता है घोड़ा खाता है इतना मुझे ध्यान देखे ये वस्तु है इसको भी उबालना है नमक डाल के ही और इसको भी घी में भून के खोपरा खिसा हुआ डाल के ये एक्स्ट्रा लगेगा उस दिन अंतिम पूजा उन दिन शाम को ये किया यही अंतिम पूजा ये कब चढ़ाना तो शाम को पूजा करते उस समय नहीं चढ़ाना समझा ना शाम फिर चढ़ाना चावल का फिर लास्ट में नौ बजे के टाइम में रात में आठ नौ बजे वैसे तो 6 से सात बजे करोगे ना रोज पूजा ये नौ बजे के समय पर ये चढ़ाना एक लास्ट अंतिम इसके साथ पान बीड़ा चढ़ाना ये और एक पान बीड़ा चढ़ा के नमस्कार करना ये हो गई विधि और ये ख़त्म होने के बाद उसी शुक्रवार के दिन आपके घर में कुल देवता का फोटो हो देवी के फ़ोटो हो सबको वंदन करके ये पूरा कर लिया बंधन कर लिया शनिवार को सुबह दसवें दिन सुबह सूर्योदय के बाद सूर्योदय के बाद सबको वंदन करके ये जो सुपारी डाली आपने ये देवता का फोटो या मूर्ति आपके घर में हो हमने डाला है सुपारी में लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा पद्मावती कुल देवता इनका फोटो या मूर्ति पहले ही पूजी जा रही हो तो आप कलश पर एक पुष्प स्पर्श करना है पहले किन किन का फोटो वहाँ है एक एक पुष्प स्पर्श करके कलश में हमने जो स्थापित किया वो महालक्ष्मी की शक्ति ये फोटो या मूर्ति जो भी है इसमें प्रवेश करें ऐसे बोल के इधर से निकाल निकाल के अब फोटू में भर भर के फोटोओं को शक्ति में ही करना नौ दिन जो शक्ति हमने कलश में भरी उसको ऐसे विसर्जित नहीं कर देना भाई हमने नवरात्रि का विसर्जन किया फिर का लिए घर में आई देवी बाहर जाने के लिए वो ऐसे नहीं आई है वो आपके घर में ही रहेगी उसको तो आपको ये बोलना है कि हे माँ लक्ष्मी अब इस फोटो में प्रवेश करो इस कलश से हे माँ सरस्वती इस फोटो में प्रवेश करो और नहीं है तो भी बाद में वो बात है जो जो नहीं है कुल देवता तो होंगे देवी होगी उन सबको भाई कलश में स्थित कुल देवता मेरे चित्रपट में प्रवेश करें ऐसे फूल को इधर स्पर्श करके फोटो में रख देना तो इधर से वो कहाँ चले गए और जो जो हैं बाद में नहीं है तो जो देवता नौ दिन तक सानिध्य दिए उन सब से क्षमा मांगता हूँ कोई गलती हुई हो कोई मेरे से त्रुटि हुई हो क्षमा मांगता हूँ वो सभी देवता पुनः अपने निजी स्थान स्वस्थान पधारे ऐसे निवेदन करके उस कलश को हिला देना क्या कर देना ख़त्म हो गया वो सब हो गया विसर्जन यानी जो देवता हमारे घर में थे उसमें चले गए देवता जो नहीं थे वो अपने गांव चले गए अभी उनको वहाँ रख के क्या करेंगे रोटी डालोगे रोज तो वो सब अपने स्थान पर चले गए समझ गए ना बात और अब ये विसर्जन कलश का हो गया अभी वो दीपक में घी जितना है उसको जलने दो उसको दीपक को हिलाना नहीं जब तक वो घी खत्म नहीं हो घी बरा रहेगा ना तो उसको नहीं उठाना वो एक दिन जल रहा दो दिन जल रहा उसको खाली हम अब घी ना डालें लेकिन बत्ती का ध्यान रखें कि व्यवस्थित वो जलता रहे क्योंकि आगे काला हो गया तो बुझने वाला होगा इसलिए काला सब निकाल के जब तक जले उसको जलने दो कलश को उठा दो अब इस कलश के नारियल को आप एक लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांध के अपने मुख्य दरवाजे के घर के अंदर मुख्य दरवाजे के ऊपर बांधते समय बोलो कि इस दरवाजे पर निवास करने वाली कुल देवी और लक्ष्मी इसी जगह पर सदा निवास करें और हमारा कल्याण करें ऐसे बोल के इस श्रीफल को लाल कपड़े के साथ मुख्य दरवाजे के अंदर ऊपर लगा दो सदा महालक्ष्मी देवताओं के सानिध्य में वो रहता है और जो जल है अंदर वो समस्त जल को लेके अपने अपने ऊपर छाट लें सब लोग के भाई ये पवित्र जल शक्तिमय जल ये दिव्य जल दैविक जल हम सब का पाप हरें हम सब का दोष हरें हम सबका संकट हरें हमारा मंगल करें ऐसे बोल के पहले घर के प्रथम आदमी छांटे फिर दूसरा फिर पत्नी फिर बच्चे फिर पूरे घर में छाट के आओ उसी पत्तों से जिस पत्ते से को लगाया था उस पत्ते से ही ले, ले के हाथ से नहीं छांटना पत्ता लेना या वो पत्ते बिगड़ गए हैं सड़ गए हैं पान के पत्ते से ले लेके नया पान का पत्ता ले लेके सब छांटा फिर हर घर में हर रूम में दीवार पर हर दिशा में सब जगह छाट के घर पवित्र हो घर पवित्र हो ऐसा बोल के पूरा पानी छाट के और भी बचता है तो पौधों में वगैरह घर में ही डाल के ये जल भी कहीं बाहर नहीं जाना कोई एक चीज़ भी बाहर नहीं जाना दरिया नदी पर कहीं नहीं जाना फिर जो हमारे पास बचा हुआ अंदर का सरसों है सिक्का है सुपारी है इन सब को छोटा पीला सा पोटली बना के पीले डोरे से बांध के गल्ला हो तिजोरी हो अलमारी हो उसके अंदर स्थापित कर दें और फिर जब दीपक पूरा हो जाएगा घी पूरा हो जाएगा दीपक को उठा करके कही न कहीं ना कहीं विसर्जित कर दें पाटे पर गेहूं वगैरह जो भी लगा था वो किसी ब्राह्मण को कोई गरीब को वो दान दे दें और इस प्रकार से नौ दिन नवरात्रि में शाम के समय आराधना में आरती करें सुबह के समय प्रसाद चढ़ाएं हो सके तो नौ कन्याओं को अंतिम दिन नवे तारीख पंद्रह तारीख के दिन शुक्रवार को कन्याओं को बुला के नौ कन्या हो नौ सुहासिनी हो एक हों आपकी शक्ति अनुसार एक हों वो जितना दान करें भक्ति करें और कोई भी उन दिनों में घर में मेहमान भी आए तो कम से कम स्त्री आए तो ब्लाउज का पीस हो पान सुपारी दें पुरुष आए तो पुरुष उचित कोई ना कोई दक्षिणा वगैरह कोई भी आए किसी को खाली नहीं भेजें उन दिनों में देवी माँ मेरे घर में हैं कलश रूप में ये भाव करके बड़े आनंद से अच्छी अच्छी मीठी बातें करें गाली गलोच से दूर रहें गुस्सा क्रोध से दूर रहें प्रेम और आनंद के साथ जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो ये नौ दिन आगे के नौ जन्मों को तारने वाला बन जाए और नवरात्रि ही हर प्रकार से कल्याण करने वाला बन जाए ऐसी नवरात्रि के दिव्य उत्सव को हर घर में भारत के लोग मनाएं और घर घर में मंगल हो यही प्रार्थना करते हुए आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहें यही प्रार्थना